स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे सबमर्ज्ड कूलिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं ये सबमर्ज्ड कूलिंग है क्या। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, हमें ऐसी क्या आपदा आ गई कि अब कंप्यूटर को डुबाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो भी चीज़ में हम लोग कंप्यूट करते हैं, जैसे कि चाहे वो प्रोसेसर हो चाहे वो ग्राफिक्स यूनिट हो, वो आजकल बहुत पावर खाता है। एक टाइम में आपका पूरा कंप्यूटर सीपीयू यानी जो डब्बा होता है वो 100 वाट खाता था। आजकल प्रोसेसर जो आता है, जैसे ये थ्रेड रिपर है, ये अकेले 500 वाट तक खा सकता है। तो और ग्राफिक्स यूनिट के बारे में तो बात ही नहीं करते, और ये सब कंप्यूट यूनिट है, ये सब तो लगभग 1 किलोवाट अकेले खा सकते हैं। और सर्वर में तो कई जगह पे तो 25-26 लगाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो प्रोसेसर है, जो कंप्यूट यूनिट है हमारा, वो बहुत अब बिजली खाने लगा है। लेकिन आपको ये बात सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि हर दिन हर मतलब कंप्यूटर रिलीज में बताया जाता है कि ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा इफिशियंट है। तो ऐसा कैसे हो गया कि हम लोग 100 वाट में कंप्यूटर चलाते थे और अब किलोवाट में कंप्यूटर चला रहे हैं? तो हुआ ये कि कंप्यूटर पर वाट पर कैलकुलेशन बेटर हो गया, मतलब फ्लॉप्स पर वाट जिसको कहा जाता है। फ्लॉप्स एक मैथमेटिकल यूनिट है कि कितना कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो उसको मेगावाट, मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स। टेरा फ्लॉप्स मतलब समझिए एक ग्राफिक्स कार्ड रफर मतलब 3 से 4 टेरा फ्लॉप्स तक जा सकता है। सुपर कंप्यूटर का 100 टेरा फ्लॉप्स से लेकर पेटा फ्लॉप तक चले जाते हैं। तो वो समझिए वैसे यूनिट के तरह उसको नापा जाता है। तो कितना फ्लॉप्स पर वाट कर रहे हैं वो बहुत इफिशियंट हो गया है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोसेसर को बनाया जाता है सिलिकॉन के वेफर से, वो वेफर पे हम लोग जब छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बनाने लगे, तो ऐसा नहीं किया कि छोटे ट्रांजिस्टर को वैसे ही रखे, हम लोग छोटे ट्रांजिस्टर को टाइट से पैक कर दिए। टाइट से पैक करने का बेनिफिट हो गया कि मतलब इसी चिप में आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर डाल पाए। मतलब पहले 1-2 मिलियन होते थे, अब तो बिलियन में आते हैं। वो तो बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अब वो बिलियन एक जगह पे हैं तो बिलियन ट्रांजिस्टर की गर्मी आ रही है। तो वो और वो गर्मी जो भी निकल भी नहीं पा रही, क्योंकि पहले तो ट्रांजिस्टर इतने बड़े होते थे आराम से गर्मी फैल जाता था, अब फैलता नहीं है। तो अब कूलिंग करने के लिए, मतलब उसको ठंडा रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आजकल के आप कंप्यूटर में अगर देखोगे हीट सिंक, अब बड़े बड़े हीट सिंक आते हैं, वो इसीलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सिलिकॉन वेफर लिए उसमें जो ट्रांजिस्टर बनाए उसको पुराने ट्रांजिस्टर की तरह फैला फैला के रखें, मतलब पुराने प्रोसेसर के डिज़ाइन के फैला फैला के रखें, फ़र्क भी नहीं पता चलेगा, मतलब बिना ठंडा किए भी कम चलने लगेगा। लेकिन मतलब पैकिंग इफिशेंसी बढ़ाने के लिए और पर यू नो पर वाट फ्लॉप्स, बेसिकली फ्लॉप्स पर वाट को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको बहुत छोटा बनाने लगे। तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन बिजली कंजम्पशन पागल जैसा होने लगा है। तो समझिए ये सब बहुत बिजली खा रहा है। दूसरा कि हमारे दुनिया का आजकल इंटरनेट पे ही चलती है। जैसे मैं यूट्यूब से कोशिश कर रहा हूँ कमाने का, या आपका आप लोगों से कितने लोगों में जो ईमेल यूज़ करते हैं, मतलब ऑफिशियली जिनके लिए ईमेल ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट है चाहे मतलब पूरा इंडस्ट्रियल नेटवर्क है, मतलब बिना कंप्यूटर्स के हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। और डिमांड जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, तो वैसे वैसे गूगल हो, फेसबुक हो, ये सबको ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर चाहिए। तो एक तो ये सब पावरफुल हो गया, ऊपर से अब ज़्यादा डिमांड भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फंसने वाला सिचुएशन में आ गए। फिर दो नए चीज़ अभी मार्केट में आ गए हैं, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि को कंप्यूटर में डाल देना, जिसका मतलब आप देख सकते हैं कि गूगल का एआई में इंग्लिश में, हिंदी भाषा में नहीं, इंग्लिश में इंसान से बात कर सकता है, और जो इंसान से बात किया जा रहा है उसे पता नहीं चलेगा कि कंप्यूटर है दूसरी तरफ। ऐसा रोबोट बात कर रहा है वैसा नहीं है, मतलब लाइक जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं अभी वैसा ही लगेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत कंप्यूटेशन पावर चाहिए, तो उसका डिमांड के चलते नए नए कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा बिग डेटा, तो पिछले 20 साल से जब से इंटरनेट चला ही जा रहा है तब से बहुत डेटा कलेक्ट किया गया है। अब ये सब डेटा तो जमा हो गया, 10 साल से जमा कर लिया गया, ठीक है सब बढ़िया है। अब उसको प्रोसेस करने के लिए आप समझ सकते हैं कितने लाख करोड़ फाइल जमा किया गया होगा, उस सबको प्रोसेस करने के लिए भी तो प्रोसेसर चाहिए। तो ये बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए भी ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए। तो ये काम कैसे करता है आपको बस ये समझिए कि हम लोग ऐसा नहीं कि जब इसको बोलते हैं लिक्विड कूलिंग है, तो ऐसा नहीं कि हवा से ठंडा नहीं कर रहे हैं, बस लिक्विड बीच का आदमी को हटा दे रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए आपका जो एसी था, मतलब जनरली एसी चल रहा है वो आपके सर्वर रूम को ठंडा रख रहा है, और सर्वर में जो चीज़ गर्मी पैदा कर रही है वो हवा के माध्यम से गर्मी ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो हवा को हम लोग हटा दिए, बोले भैया वो सर्वर मतलब जो कूलिंग यूनिट है, जो भी आपका एयर कंडीशन है उसको, और जो भी चीज़ गर्मी दे रही है जैसे कि प्रोसेसर हुआ, रैम हुआ, पूरा कंप्यूटर, वो दोनों के बीच का दूरी कम कर दिए, और वहाँ पे हवा से आगे पीछे जाने के जगह पे हम लोग उसको तेल से बदल दिए।
यही हम लोग कर रहे हैं कि हवा को, और बदले क्यों, अब फिर आप ये बोलोगे बदले क्यों, हवा जैसे समझिए कि 1 लीटर, मतलब 1 लीटर हवा में ज़्यादा वजन होता नहीं है। आप 1 लीटर खाली बोतल पकड़ के देखिए कितना वजन होता है, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा होता नहीं है। तो वैसे हालात में वो ज़्यादा गर्मी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी, क्योंकि उसमें एटम्स ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। तो वहीं अगर आप 1 लीटर कोई भी लिक्विड हो, चाहे तेल हो, चाहे मतलब अल्कोहल हो, कुछ भी अगर आप इधर से उधर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बहुत ज़्यादा मतलब एटम्स हैं, तो वो गर्मी ट्रांसफ़र करने की स्पीड बढ़ जाती है। और मतलब सिर्फ कुछ ही लीटर हटाना है, मतलब आपका जो पंप है या पंखा है, जो टरबाइन है या जो भी है, वो सिर्फ कुछ लीटर इधर से उधर करेगा और किलोवाट की गर्मी को इधर से उधर कर देगा। हवा के लिए आपको 500-600 लीटर हवा हटाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो हमारे जो ये रेडिएटर्स होते हैं जो एसी में लगाए जाते हैं, जो मतलब आप बाहर लगाते हो घर के, वो बनाए गए हैं कि वो सब हैंडल कर सके। कंप्यूटर नहीं बनाया कि उसको उतने अच्छे से डंप कर सके, और फालतू का आप बीच में एक स्टेप डाल रहे हैं, तो वो बीच का स्टेप हटा दे रहे हैं और हवा को हम लोग कोई भी लिक्विड से मतलब तरल से बदल दे रहे हैं। तो दो सिस्टम है हमारे पास। सबसे पहला सिस्टम है फेस चेंज। ये जैसे कि आप लोग आजकल हीट पाइप का प्रचलन देखते होंगे अपने लैपटॉप में या सीपीयू कूलर में, जहाँ पे खूब सारे फिन है और पाइप से जोड़ा गया, वो पाइप के अंदर जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कहते हैं फेस चेंज। मतलब पानी से गैस में बदलना, मतलब लिक्विड टू गैस स्टेट, तरल से मतलब गैस में बदल जाना, यानी भाप में बदल जाना। इससे ये होता है कि आपको घुमाने के लिए, पानी को घुमाने के लिए आपको पंप चाहिए, इसको वैसा नहीं करना पड़ता है। इसमें कुछ आपको नहीं डालना, आप बस डालिए एक ठंडा चाहिए हो और एक गर्म चीज़ हो, ये खुद ब खुद गर्मी इधर से उधर करेगा। और ये करता इसलिए है क्योंकि जो भी इसमें तरल डाला जाता है वो कोशिश की जाती है कम से कम टेम्परेचर पर भाप बन जाए। जैसे कि मतलब जनरली कोशिश की जाती है कि अंडर 60 डिग्री सेल्सियस रहे, क्योंकि अगर मान लीजिए वो 500 डिग्री पर उबलने लगा तो 500 डिग्री तक आपका प्रोसेसर चलेगा नहीं। पानी जैसा रहा कि 100 डिग्री, तो प्रोसेसर तो जल जाएगा 100 डिग्री में। तो आपको चाहिए जो मतलब कम टेम्परेचर में ही उबलने लगे। तो जनरली जो हम लोग कोशिश करते हैं 60 डिग्री से नीचे रहने का कोशिश करते हैं। फिर आता है दूसरा, मिनरल ऑयल, जिसमें ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस ऑयल ही है आगे पीछे अपना। ये आपका एसी के पास जा रहा है, एसी को गर्मी दे दे रहा है, आराम से आके वापस कंप्यूटर के पास रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और इसका तापमान भी बहुत कम चेंज होता है, ये बस ये गर्मी आराम से इधर से उधर कर देता है, लेकिन फजीहत ज़्यादा है। तो इसको आप लोग बोलिए ठीक है, अगर ये इतना बढ़िया चीज़ है तो हम लोग हवा से इसको कंपेयर क्यों नहीं करते, मतलब और अगर एयर बुरा चीज़ है तो हम लोग उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो आप पहले ये समझिए कि अगर हवा के कंपेयर में देखते हैं कि हवा कूलिंग, जो मतलब आप ठीक है आराम से आपका रूम है, रूम में आप बड़का बड़का एसी लगा दिए और आपका सर्वर लगा हुआ है, तो उसको मतलब अगर ये लिक्विड कूलिंग से कंपेयर करें तो आप ये देखिएगा कि स्मॉल और हाई डेंसिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर रख पाएंगे, जो कि हवा में आप कर ही नहीं सकते। तो आपको एक आइडिया देने के लिए आप ये देखिए कि ये सिस्को का एक कंटेनर है जिसमें सर्वर आप मिलता है, ठीक है आपने ये लिया, इसमें आप कंप्यूटर के लेवल पे सिर्फ 400 किलोवाट की बिजली डाल सकते हैं। 400 किलोवाट का कंप्यूटर आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक। अगर आप ये कंटेनर लेते हैं जो कि मिनरल ऑयल पे चल रहा है, ये कंटेनर 1 मेगावाट तक ले सकता है, मतलब 3 गुने से भी ज़्यादा तक का वो कंप्यूटर रख सकता है। दोनों में ठंडा करने के लिए बाहर से जोड़ा गया है, लेकिन चूंकि बाहर से जो ठंडा कर रहा है उसको आप गर्मी कैसे दे रहे हो, इसमें ये हवा से गर्मी दे रहा है तो ठीक से दे नहीं पा रहा है, उसमें वो ऑयल से दे रहा है, आराम से दे रहा है। तो आप समझिए कितना ज़्यादा अंतर हो गया। दोनों एक ही साइज़ का कंटेनर है, लेकिन एक में 1 मेगावाट है, एक में बेयरली 400 किलोवाट है। तो आप समझ सकते हैं अंतर, आपको समझ आएगा कि कितना छोटा हो जाएगा। तो आप समझिए एक बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें मतलब अगर हवा वाला रखते हैं तो आप सिर्फ लेट्स से 10 मेगावाट का मतलब कंप्यूटर डाल पाएंगे, और अगर ऑयल करते हैं तो करीब करीब 50 मेगावाट तक चले जा सकते हैं। तो समझने ये मतलब जगह ज़मीन का दाम घट जाएगा। दूसरा, ये सिंपल है, मतलब एयर कूलिंग में ऐसा किया जाता है कि एसी जो है गर्म हवा जो खींचती है वो ऊपर से खींचती है और ठंडा हवा नीचे से देती है। घर में हम लोग ऐसा नहीं करते, घर में वो बस लगा रहता है साइड में, लेकिन सर्वर रूम में आपको देखेंगे कि नीचे नीचे छेद वाले मतलब प्लेट लगे रहते हैं, वहाँ से ठंडी हवा निकलते रहती है और ऊपर से गर्म हवा को निकाला जाता है। समझ रहे कितना झंझट है कि मतलब एक पूरा ज़मीन बनाना पड़ रहा है आपको। जैसे हम लोग के कई जगह ऑफिस में होती है ना फॉल्स सीलिंग, यहाँ फॉल्स फ्लोर भी होता है, फॉल्स सीलिंग भी होता है। तो समझ लिए हज फजीहत है। और प्लस ये आवाज़ बहुत करता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हवा को बहुत हवा हटाना पड़ेगा, आपको 1 या 2 लीटर हवा नहीं हटाना, आपको कई 100 लीटर हवा हटाना है। तो पंखे जो उतना इधर से उधर कर सकते हैं वो बहुत आवाज़ करते हैं, ना ही बिजली भी बहुत खाते हैं और आवाज़ तो छोड़ ही दीजिए, मतलब बहरा कर देने लायक रहता है। तो ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको कि 78 डेसिबल है, तो 78 डेसिबल से 80 डेसिबल
और 90 डेसिबल तक पहुंचना असंभव नहीं है। आराम से आपको बहुत सारे डेटा सेंटर मिलेंगे जो 70 से 80 के बीच में रहते हैं। ये क्या ये आपको बहरा कर देगा? नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर रहे तो बहरा हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे जो लोग भी काम करते हैं जनरली कान में ईयर प्रोटेक्शन लगा के रहते हैं, नहीं तो मतलब टाइम से मतलब आपकी हियरिंग ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप घुस गए सर्वर रूम में भागे आप बहरे हो गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मतलब जितना जैसे जो लोग टेक्नीशियन है जो यहीं पर दिन बिता रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और प्लस अगर उतना आवाज़ हो रहा है तो मतलब वो आवाज़ कहीं बिजली से ही आ रही है ना, तो आप बिजली बर्बाद हो रहा है तो वो बर्बादी बचेगा। और एंड में कोई क्यों करेगा वो करने के लिए, आपको ये समझिए पैसा बचाता है, क्योंकि बीच से हवा को कट दे रहे हैं तो जैसे कि आपका ज़मीन का पैसा तो बच गया बच गया। अब इसको 400 किलोवाट आप डाल रहे हो तो 400 किलोवाट कितने सारे आपको चाहिए, तब जाके आप 1 मेगावाट पे आ गए। वो गर्मी को इतना आराम से ट्रांसफ़र कर देता है कि जो भी तरीके से आप ठंडा कर रहे हैं वो आराम से ठंडा कर लेता है। बिजली बहुत बचती है, 30% से लेकर 90% तक बिजली बच जाती है। आप समझिए 90% तक अगर आपका एसी का बिल कम आने लगे तो हर कोई एसी लगाने लगेगा। तो ये सर्वर मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए कि इंटेल का एक आपने सर्वर खरीदवाया, पूरा सिस्टम बनाया जो मान ली 1 मेगावाट खा रहा है, आपने पूरा इंटेल का दूसरा सर्वर बनाया जो 1 मेगावाट खा रहा है बिजली मतलब कंप्यूटर का कूलिंग का नहीं, तो एक को ठंडा रखने के लिए आपको लगभग आधा मेगावाट का कूलिंग सिस्टम चाहिए, दूसरे को ठंडा रखने के लिए आपको बेयरली 100 किलोवाट का चाहिए, मतलब 0.1% का ही चाहिए, 0.1 मेगावाट का ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिजली से पैसा बचता है, और पैसा बच रहा है तो सबको हरा हरा हरियाली दिखने लगती है। तो ऑयल और फेस चेंज के भीतर में मैं थोड़ा सा अंतर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर जो भी है मतलब जो आप प्रोसेसर है या सर्वर है वो बहुत तगड़ा है, बहुत बिजली खाता है, जैसे मैंने थ्रेडरिपर दिखाया जो 500-500 वाट खाता है अकेले, वो सब अगर आपको हैंडल करना है तो आपके लिए तेल अच्छा रहेगा। क्योंकि फेस चेंज में जैसे वो आप देखेंगे वो पानी जो है उबल जाता है, तो जैसे मान लीजिए कुछ भी हुआ आपका कि ये आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो बंद हो गया कुछ देर के लिए, मान लीजिए एसी ख़राब हुआ या कुछ भी हुआ कि 5 मिनट के लिए वो बंद हो गया, ये उबलता रहेगा क्योंकि कंप्यूटर तो आपका बंद नहीं होगा, ठीक है आपका ये उबल रहा है। जैसे जैसे उबलते जाएगा ये नीचे 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 आता जाएगा, तो एक टाइम के बाद प्रोसेसर से जैसे ही नीचे आ गया तो मतलब प्रोसेसर के पास अब कोई भी चीज़ नहीं है जो उसको ठंडा कर सके, तो प्रोसेसर जल जाएगा। या तो मतलब आज के प्रोसेसर इतने एडवांस होते हैं कि शट डाउन कर देंगे अपने आप को ओवरहीटिंग से। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये बहुत झंझट वाली बात है। पानी में ऐसा नहीं होता, मतलब तेल में ऐसा नहीं होगा, तेल बहुत हाई टेम्परेचर तक तेल ही बना रहता है। आपको बहुत लोगों को लग रहा होगा तेल को उतना गर्मी में रखेंगे आग नहीं पकड़ लेगा, आपके जितने भी ट्रांसफार्मर है सब में तेल ही डाला हुआ है, अब वो ट्रांसफार्मर कितना गर्म है तो आपको पता ही है, और उसमें कितनी बिजली जा रही है वो भी आपको पता है, तो वो तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो ये सब तो कुछ है नहीं, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर आपका ज़्यादा पावर चाहिए मतलब तगड़ा पावर चाहिए तो आपको तेल की तरफ जाना चाहिए। फेस कूलिंग का एक नुकसान ये भी है कि फेस कूलिंग चूँकि ये भाप बन रहा है, आप जितनी बार उसका दरवाज़ा खोलेंगे या भाप बंद करेंगे मतलब उसका कोई कुछ नया पीस लगाना है या कुछ रिप्लेस करना है वो उतनी बार भाप लीक करता जाएगा। और मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ मतलब आप कहिए 1000 लीटर का दोनों में आप स्टार्ट किए, ये 1 लीटर 1 महीने में खोएगा, ये मतलब 1 लीटर पर दिन खोने लगेगा, तो यही समझ लीजिए कि मतलब बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आता है दोनों का लॉस कैसे होता है, तो आपको ये काफ़ी खरीदना पड़ेगा। दूसरा फेस चेंज का एक फ़ायदा है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बिजली मांग रहा है मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो फेस चेंज में आप ये करने से एक फ़ायदा और आएगा कि फेस चेंज में आपको पंप पे खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये गर्मी से ही मतलब जो ऊर्जा है गर्मी का वही इस्तेमाल करके ये इधर से उधर चलता फिरता रहता है, इसमें आपको पंप से चलाना पड़ेगा। तो यही है ऑयल वर्सेस फेस मतलब फेस चेंज में। और अगर मुझे पैसा लगाना है तो मैं फेस चेंज पे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फजीहत है, मतलब एक चीज़ आसान कर देता है कि उसको साफ़ सफाई करना आसान है, लेकिन ऑयल क्योंकि लाइन भागने पे भी ऐसा नहीं होगा, मतलब लाइन भागना मतलब माल फंक्शन होने पे आपका ऐसा नहीं कि तुरंत वो बॉयल हो जाएगा। तो भविष्य में क्या होने वाला, तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे कंप्यूटर के पावर बढ़ते जा रहे हैं जगह का कमी आते जा रहा है, कि भाई कितना बड़ा जमीन लोगे, मतलब 1-2 हेक्टर में आजकल सुपर कंप्यूटर आने लगे, अब क्या 50-60 हेक्टर तो आप जमीन खरीद के सुपर कंप्यूटर नहीं बनाओगे, तो उतना जगह को बचाने के लिए आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि ये आप ऑयल कूलिंग कीजिए। तो अब सब मिला के आने वाले सुपर कंप्यूटर को इसी तरह से ठंडा रखना पड़ेगा, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब जैसे सब कंप्यूटर आप देख रहे हैं कितना खाली जगह खूब बड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है, और ज़्यादा पावरफुल भी नहीं डाल सकते क्योंकि कोई भी कूलिंग सिस्टम ठंडे से नहीं रख पाएगा इसको ठीक से। तो
आने वाले समय में ये एकदम कंपलसरी हो जाने वाला है। दूसरा, आप बोलोगे ठीक है मैं तो प्रोसेसर बता रहा हूँ, हार्ड ड्राइव से जो सर्वर चलते हैं वो सब क्यों नहीं डुबा सकते, क्योंकि हार्ड ड्राइव में एक एयरपोर्ट होती है जिसमें फिल्टर लगा होता है, तो आपको शायद दिखे नहीं लेकिन अगर आप उसको तेल में डाल दिया हार्ड ड्राइव आपकी मर जाएगी, क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर वो तेल घुस जाएगा और हार्ड ड्राइव मतलब सील ना होने के चलते आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन SSD जो कि सॉलिड स्टेट है वो डुबाया जा सकता है। तो आप बोलोगे कि SSD तो बड़ी नहीं आती, नहीं है, बात सही है, हमारे और आपके लिए नहीं आती है। हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा जो हार्ड ड्राइव खरीद सकते हैं मतलब 2 TB सबसे सस्ता पड़ता है, मतलब पर गीगाबाइट के हिसाब से, और 10 TB तक आराम से आपको मिल जाएगा मार्केट में, और इंटरप्राइज पे जाइएगा तो 15 TB तक का एक हार्ड ड्राइव आता है SSD। अब जैसे ये SSD है 100 TB का है, हाँ आप सही सुने, 100 GB नहीं 100 TB का है, और ये 3.5 इंच का, ये फास्ट नहीं है, ये SSD फास्ट के लिए नहीं बनाया गया है, ये SSD है सिर्फ 500 Mbps का, मतलब ये NVMe SSD नहीं है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। लेकिन आप जगह के मामले में सोच लीजिए, आपको लगभग 8-9 हार्ड ड्राइव की जगह पे सिर्फ ये 8 लगाना पड़ेगा, प्लस ये बिजली भी कम खाएगा, तो सब मिला के SSD जैसे जैसे हार्ड ड्राइव को बदलते जाएगी। अब सवाल ऐसा नहीं क्या कभी बदलेगी कि नहीं, नहीं अब बदल देगी, सवाल है कितने साल में होता है, अभी इंटरप्राइज में हो रहा है, कुछ साल में हमारे घर में भी आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे आप लोगों ने याद किए करते होंगे कि मेमोरी कार्ड आता था 15-16 MB का, 64 MB का मेमोरी कार्ड आता था, मुझे याद है, मतलब मेरे पास रखा हुआ है 64 MB का मेमोरी कार्ड। तो सब मिला के आप देख लीजिए कि जैसे ही सब सुपर कंप्यूटर बढ़ता जाएगा, प्रोसेसिंग डेटा सर्वर वो सब बढ़ते जाएगा, तो उसके बाद तो उसको तेल में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो जगह बहुत खाने लगेगा। फिर जैसे SSD ये मतलब हार्ड ड्राइव से SSD में कूदेंगे तो इनको भी डुबाना आसान हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में तो ये होना ही है, और अभी सबसे बड़ा झंझट ये है कि कॉस्ट कंपेटिटिव अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो जो कंपनी ये सब आपको ऑयल सर्विस देती है वो उतनी बड़ी नहीं हुई कि सस्ते दाम पे दे सके, मतलब उनका मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी मतलब वो पैसा बचाएगी, बात सही है, लेकिन आपसे पहले ही बहुत पैसा खा लेगी, इसलिए हर कोई अभी नहीं कर रहा है। तो कुछ कुछ रास्ता अभी आगे जाना है थोड़ा सा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सबमर्जन कूलिंग के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला होगा, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं कहूँगा अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे, और आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, बेल का घंटी बजा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो, और आपने मेरा शो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।